बियर में जो फिज आती है, जो फोम आता है, वो CO2 से आता है। तो आज हम सीखते हैं कैसे CO2 सिलेंडर पे अटैच करते हैं। बाजार में आपको ये CO2 सिलेंडर्स लेमन सोडा में यूज करते हुए मिल जाएंगे, फाउंटेन पेप्सी में यूज करते हुए जाएंगे, आप कोई भी फूड ग्रेड CO2 सिलेंडर, उसके अंदर आपको एक रेगुलेटर अटैच करना पड़ता है। जो मार्केट में ये रेगुलेटर्स आते हैं, ये आपके होते हैं वेल्डिंग रेगुलेटर्स होते हैं। तो इसमें जो आपका जो सेकेंड गेज होता है, ये 300 PSI अनुपात का होता है। इसके कंपेरिजन में यहाँ पे जो हम लोग का जो ब्रिंक्स होता है वो 100 PSI, मैं करीबन 17 to 25 PSI डिपेंडिंग अपॉन मेरी कौन सी बियर है मैं उतना सेट करता हूँ। उसके लिए 100 PSI का सिलेंडर बेस्ट रहता है। इसमें जो दो प्रेशर गेज हैं, ये वाला जो प्रेशर गेज है ये इसके अपोजिट, यानी यहाँ पे जो सिलेंडर का प्रेशर ये गेज करता है। सिलेंडर का प्रेशर यूजली 300 PSI होता है जब आप, और जो दूसरा वाला जो प्रेशर गेज है जो उसके डायमीटर का अपोजिट है, ये आपका ये कहता है कि जो आपका आउटलेट है उसमें कितना प्रेशर होता है। जैसे से आपका टैंक 300 PSI का होता है लेकिन आपको चाहिए 17 से 25 PSI, तो उसके लिए आप नॉब से इसको कम और ज्यादा करें। अब इसके अंदर ये टाइप 30 वाला जो है इसको आप इससे टाइप कर सकते हो, आपको कोई एडिशनल पल की जरूरत नहीं रहती है। और ये इस नॉब से आप सेट कर सकते हो, तो आप ये वाले से सिलेंडर को ओपन क्लोज करेंगे और इस वाली से आप सेट करेंगे कि आपका जो सेकेंड वाले नॉब में कितना प्रेशर जाएगा, और ये आपको फाइनली ये इसमें चला जाएगा। यहां से आप अपनी पाइप को फिट करें। तो CO2 सिलेंडर में यहाँ पे नॉब होती है, नॉब के ऊपर ओपन और क्लोज लिखा रहता है। एसेंशियली आप जब आपके पास आता है सिलेंडर तो ये पूरा का पूरा क्लोज जाता है, क्लोज आपका यू करने से क्लोज हो जाता है, और यू करेंगे तो ओपन होता है ना। आपने देखा आवाज आने लग जाती है। इसके अंदर करीबन 300 PSI करीब का प्रेशर रहता है। तो ये अच्छा, नाउ हमेशा जो वॉल्व डायमेट्रिकली अपोजिट की चीज का मेजर करता है, तो यार ये वाला वॉल्व टैंक का मेजर कर रहा है और ये वाला जो गेज है ये इस लाइन का प्रेशर कर रहा है। दोनों के बीच में आपको एडजस्टमेंट करने के लिए आप ये नॉब यूज करते हो। जब स्टार्ट करते हैं तो ये नॉब ऑलमोस्ट बंद रहती है क्योंकि आपके टैंक में 300 PSI है और आपको चाहिए करीबन 25 PSI के करीब चाहिए, लेस देन 1/10 ऑफ द प्रेशर चाहिए। तो क्लोज रहते हैं, जैसे जैसे इसका प्रेशर गिरता जाता है करीबन 100 PSI पर गिर जाता है, तो आप उतना इसको ये रिलीज करते रहते हैं जिससे यू कैन मेंटेन कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब ना यहां से आके ये हम लोगों ने टीम में ज्वाइन कर दिया। ये टीम में से एक ये जाता है हमारी बॉटलिंग लाइन में जाएगा और दूसरा केक में जा रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास मल्टीपल केक्स हैं तो आप और चीज लगा के मल्टीपल केक्स को कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे केक में इन और आउट लिखा होता है, जो इन होता है उसके अंदर आप CO2 इन करते हैं, तो और जी इज फॉर गैस, जी इज ऑल्सो फॉर ग्रे, तो ये याद रखिएगा। एंड बी इज फॉर बियर, बी इज फॉर ब्लैक। तो ये जो बियर है ये आप आउट में कनेक्ट करोगे। आउट से कनेक्ट करने के बाद ये हमने इसके बाद इसमें कनेक्ट किया है, ये आपका फिल्ट्रेशन है। हमारी जो बियर है हमने अभी अनफिल्टर्ड है, इसमें वैसे वाटर है लेकिन आप बियर वाइन कुछ भी कम्बुचा भी रख सकते हो, अनफिल्टर्ड है तो इसलिए हम लोगों ने इसमें फिल्टर डाला है। ये 5 माइक्रोन का फिल्टर है, प्लीटेड फिल्टर है। इसके बाद आप ये करके, ये है काउंटर फ्लो प्रेशर फिल्टर। इसके अंदर आप ये देख सकते हैं दो अटैचमेंट्स लगते हैं, एक अटैचमेंट आपका गैस का होता है जो आपकी पर्ज लाइन बोलते हैं हम लोग, और दूसरा जो अटैचमेंट होता है ये आपका जो इसके अपोजिट में है, फिलर के अपोजिट में है, इसमें आप अपना लिक्विड बियर वाइन ये कम्बुचा डाल सकते हो। इसका ये जो आर्म है ये टेलीस्कोपिक आर्म है, तो ये आप पूरा एक्सटेंड कर लिया तो ये फुल 750 ml बॉटल में भी, 650 ml बॉटल में भी आप फिट कर सकते हो, और अगर आपकी छोटी बॉटल है तो आप इसको ऐसे टच कर दोगे तो ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। इफ यू फिल फ्रॉम बॉटम राइट, तो फिर आपका एयर कॉन्टेक्ट भी नहीं होगा और दूसरी चीज ये होगी कि आपकी फोमिंग सबसे कम है। ये हमने ये क्योंकि CO2 भी ऑन है, हमने इसका ये कर दिया, ये हमने लॉक खोला। ये देखिएगा ये आपकी सोडा वाटर से ये फिल हो गई है। अगर आपको इसमें दिख नहीं रहा है तो हम लोग इसमें दिखा रहे हैं।
ये देखिएगा यहां अपने आप ही छोटा हो गया हमारे इसके हिसाब से। ये देख सकते हैं कि इवन दो कार्बोनेशन है, कोई मोटर अटैच नहीं है, कार्बोनेशन से आपका सोडा वाटर बन रहा है, लेकिन बिकॉज इट इज फिलिंग विथ काउंटर फ्लो प्रेशर फिलर आपने फोमिंग बिल्कुल नहीं किया। जब आपका राइट लेवल हो जाएगा तो आप ये छोड़ दीजिएगा। ये आपको छोटे छोटे से बबल्स दिख रहे हैं, ये आपके सोडा के हैं। अगर बियर या कोई और फोमिंग चीज होती तो आपके फोम ज्यादा होते हैं, लेकिन ये तब निकल रहे हैं जब आपके बाहर निकल रहे हैं। इसके बाद अब आपको क्राउन कैप करेंगे। क्राउन कैप करके आप इसके ऊपर अच्छा से लेबल लगाइएगा, जैसे अरिस्टन में लगा रखा है वैसे के अच्छा से लेबल लगा लीजिएगा, क्राउन कैप करिएगा, एंड नाउ दिस बिकम्स अ परफेक्ट गिफ्ट फॉर योर फ्रेंड्स।